हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में हमारा एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। इसे हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं। ये जो आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स है, इट इज़ द लेटेस्ट मेथड विच आर यूजिंग इन योर प्रोडक्शन सिस्टम। तो इस मेथड की क्या जरूरत आ पड़ी? हम नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर क्यों गए? ट्रेडिशनल में ऐसी क्या कमियां थी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जो आपका ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन था, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। सो द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल, जो हम यूज़ करते आए हैं ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी जो हम यूज़ करते आ रहे हैं पुराने टाइम से। उन ऑपरेशंस में क्या क्या कमियां थी, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी कि हमें नॉन ट्रेडिशनल पर जाना पड़ा। तो अगर मैं सबसे पहले लिमिटेशन की बात करूं, तो जो आपकी सबसे पहली लिमिटेशन है, दैट इज अगर आप ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल को मशीन नहीं कर पाओगे। जो सबसे ज़्यादा ब्रिटल होगा, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, उसकी मशीनिंग करनी उतनी ही मुश्किल होती है। सो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू मशीन्स। अब आपके मन में आना चाहिए कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल को भी मशीन नहीं कर पाते, तो ये भी लिमिटेशन है। वेरी सॉफ्ट मटेरियल आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू मशीन। क्यों? क्योंकि उनमें होने लगती है क्लोगिंग। क्या होने लगती है? क्लोगिंग। ये क्लोगिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। किस में पढ़ा होगा? ग्राइंडिंग ऑपरेशंस में। क्लोगिंग मतलब क्या होता है? देखिए, क्लोगिंग मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कटिंग टूल मटेरियल रिमूव करता है, इन केस अगर हम उस कटिंग टूल का यूज वेरी सॉफ्ट मटेरियल के साथ कर रहे हैं, तो आपका अगर कटिंग टूल कुछ इस तरीके से है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन का ही एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि आपके पास कुछ एब्रेसिव्स ऐसे हैं, ये कुछ एब्रेसिव्स ऐसे हैं, ठीक है। ये दो एब्रेसिव है जिन्होंने मशीनिंग की। मशीनिंग होने के बाद, ग्राइंडिंग होने के बाद चिप्स प्रोड्यूस होगी, और आपकी जो चिप्स होगी वो इन दोनों के बीच में फंस जाएगी, इन दोनों के बीच में फंस जाएगी, फ्लो नहीं हो पाएगी। और इसी प्रकार का फंसना क्या होता है? क्लॉगिंग होता है। तो जब मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो वो एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में फंस जाएगा। तो जब एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में फंस जाएगा, तो इस मटेरियल के फंसने को हम क्या कहते हैं? क्लॉगिंग। और जब मटेरियल फंस जाता है, तो आपका ग्राइंडिंग व्हील क्या हो जाता है? लोडेड। तो उस ग्राइंडिंग व्हील को हम क्या कहते हैं? लोडेड ग्राइंडिंग व्हील। तो जब ये इसमें फंस जाएगा तो क्या होगा? जब ये फंस जाएगा तो पीछे से कोई अगर मटेरियल आना चाहेगा, सपोज ये मटेरियल आना चाहता है, ये मटेरियल यहां से इस डायरेक्शन से निकलना चाहता है, तो क्या ये फंसा हुआ मटेरियल उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो जब वो उसे जाने नहीं देगा, तो आपकी जो मटेरियल रिमूवल रेट है, MRR, जो आपकी मटेरियल रिमूवल रेट है, इट विल बी डिक्रीज्ड। आपकी मेटेरियल रिमूवल रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो वेरी हार्ड, हम यहां पे लिख सकते हैं ब्रिटल एंड हार्ड के साथ, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू मशीन। तो यहां आप लिख सकते हैं, वेरी भी लिख सकते हैं, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू मशीन। सेम एज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी मटेरियल हम मशीन नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीडियम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल, अगर हम उसकी मशीनिंग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशंस। अगर हम ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन से मशीनिंग करना चाहते हैं, तो आपके मटेरियल के पास मीडियम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू मशीन, और ना ही वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर क्लॉगिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। क्लॉगिंग मतलब क्या होता है? फंस जाना, चिप्स का आपके कटिंग ग्रेन्स के बीच में फंस जाना। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, टूल एंड वर्कपीस
टूल एंड वर्क पीस शुड बी इन फिजिकली कॉन्टैक्ट, इट शुड बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया तो आप मेटेरियल रिमूव नहीं कर पाओगे, तो आपका टूल और वर्क पीस क्या होना चाहिए, फिजिकली कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी तो आपका टूल वर्क पीस के ऊपर मूव करेगा, इट विल मूव पास द मशीन सरफेस। तो क्या होगा उस कंडीशन में, मटेरियल रिमूव होगा। अगर इनके बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं है, आपका टूल ऊपर ऐसे घूम रहा है, वर्क पीस कहीं और घूम रहा है, तो क्या मटेरियल रिमूव हो पाएगा, नहीं। तो ड्रिलिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप इस बोर्ड में ड्रिलिंग करना चाहते हो तो ड्रिल को बोर्ड के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, तभी क्या होगा, यहां पर एक होल प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज आपका होल प्रोड्यूस नहीं होगा। सो टूल एंड वर्क पीस शुड बी इन फिजिकली कॉन्टैक्ट, बट इन केस ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशंस, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स, इसमें ये सारी लिमिटेशंस क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसमें आप वेरी हार्ड मटेरियल्स को भी मशीन कर सकते हो, लाइक ग्लास, ग्लास में आप होल प्रोड्यूस कर सकते हो, कांच, कांच में अगर मैं आपको कहूं कि आप ड्रिल मशीन लेके आओ उससे होल करो, तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें होल नहीं हो पाएगा, वो ब्रिटल मटेरियल है, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से हम ग्लासेस में भी होल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। टूल एंड वर्क पीस शुड बी इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है यहाँ पर, मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। हम डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस देखेंगे जिनमें आपका टूल वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, आपका टूल वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। अब देखिए, जब आपका टूल और वर्कपीस कॉन्टैक्ट में होगा तो टूल वियर कम होगा या ज़्यादा, टूल वियर विल बी हाई, टूल वियर विल बी हाई, तो यहां मैं इज लिख सकता हूं, टूल वियर इज हाई, क्योंकि दीज आर द लिमिटेशंस, टूल वियर इज हाई, आपका टूल बहुत ज्यादा घिसेगा, टूल की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, आपको बार बार टूल चेंज करना पड़ेगा, तो टूल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, मशीनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन में इन दोनों के कॉन्टेक्ट में होने के कारण आपका टूल वियर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। सो द टूल वियर इज अ वेरी हाई, टूल वियर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। कम टू द नेक्स्ट लिमिटेशन, और वो आपकी नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, आपकी नेक्स्ट लिमिटेशन है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कंटूर्स को प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होता है विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, लेकिन हम नॉन ट्रेडिशनल में आपके जो कॉम्प्लेक्स कंटूर होते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये डिफिकल्टी क्या हो गई, दूर हो गई। कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, नेक्स्ट लिमिटेशन, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस और क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस होल्स इन वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स, इन वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स, और उसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लास, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, कांच में होल प्रोड्यूस नहीं कर सकते भाई, ड्रिलिंग से होल नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, तो कांच में होल प्रोड्यूस करने के लिए आपको यूज में लेना पड़ेगा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहला क्या है, आप वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स को मशीन नहीं कर सकते भाई, दूसरा क्या है, वेरी सॉफ्ट मेटेरियल आर डिफिकल्ट टू मशीन, टूल एंड वर्क पीस शुड बी इन कॉन्टैक्ट, जिसके कारण आपका जो टूल वियर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कंटूर्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस होल्स इन अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने आपको किसका दिया है, ग्लास का दिया है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये कंपैरिजन में आ सकता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द
नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, नोट लगा के एडवांटेज भी पूछा जा सकता है, डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्या रखने, याद रखने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में नोट लिखा है या नहीं लिखा है। अब मैं जो यहां पर आपको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स बताने वाला हूं, उनका क्लासिफिकेशन करने वाला हूं कि हम आने वाली क्लासेस में कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशंस को डील करने वाले हैं, किन किन को हम पढ़ने वाले हैं, किन किन पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो कॉपी है जिसमें आप ये चीजें नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कीजिए, लैंडस्केप मोड में बना लीजिए। तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड में नहीं होगा क्लासिफिकेशन, ये लैंडस्केप मोड में होने वाला है। किस मोड में होने वाला है, लैंडस्केप मोड में। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है क्लासिफिकेशन। अगर आपने क्लासिफिकेशन को समझ लिया तो वहां से आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, और किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, उससे क्वेश्चन बने हुए हैं क्लासिफिकेशन से अंदर से। तो देखिए, क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि हम कौन सा मेथड यूज में लेने वाले हैं और उस मेथड में क्या मैकेनिज्म होगा मटेरियल रिमूवल का। सो द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल। तो उस मेथड में कौन सा मैकेनिज्म है मटेरियल रिमूवल करने का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम उसमें किस सोर्स का यूज कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म के लिए किस सोर्स का यूज कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज मेथड्स। तो मैं एग्जांपल्स भी आपको बताने वाला हूं, सोर्स भी आपको बताने वाला हूं, और मैकेनिज्म ऑफ द मेटल रिमूवल और मेथड बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्लासिफिकेशन में आपको पूरा का पूरा मेथड समझ आ जाएगा कि हम कैसे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड में मटेरियल को रिमूव करते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करने वाला हूं ऑफ द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। तो मैं ट्रेडिशनल में डीपली नहीं जाऊंगा, ट्रेडिशनल में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मटेरियल रिमूवल। कम टू द पॉइंट, सबसे पहला मेथड मैं बताने वाला हूं आपको, मैकेनिकल मेथड। कैसा मेथड? मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या क्या होता है, मैकेनिकल मेथड में होता है आपके शीयर, क्या होता है, शीयर फेलियर, या फिर होता है आपके इरोजन। इस मैकेनिज्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो कोई भी आप ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन उठा के देख लेना, ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन में ड्यू टू द शीयर फेलियर आपका मटेरियल रिमूव होता है। तो जो आप मेटल कटिंग का एनालिसिस पढ़ते हो उसमें आपका एक शीयर एंगल आता है, शीयर फोर्स आता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मटेरियल रिमूवल के लिए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, मेटल कटिंग का पूरा एनालिसिस करते हो कि मेटल कटिंग कैसे होती है, आपका जो कटिंग फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, आपका जो चिप थिकनेस रेशियो होता है वो क्या होता है, दैट दीज ऑल थिंग्स विल डिपेंड अपॉन वन पॉइंट, दैट इज द शेयर एंगल। तो इसलिए हम सबसे पहले शेयर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ टेन फाइव, याद रखिएगा। अब इसके बाद दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द मेटल रिमूवल। अब मैं इसके बात करने वाला हूं कि इनके सोर्सेस क्या है, कि अगर हमें शेयर मैकेनिज्म से मेटल को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, टूल या फिर वर्कपीस, टूल या फिर आपका वर्कपीस मोशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोशन में, या तो टूल को मोशन प्रोवाइड कर दो या वर्कपीस को मोशन प्रोवाइड कर दो या दोनों को मोशन प्रोवाइड कर दो। रिलेटिव मोशन बहुत ही जरूरी है। इरोजन में क्या होता है, इरोजन में आपका फ्लूइड कौन होगा, यहां पर फ्लूइड या फिर पार्टिकल्स कौन होंगे, पार्टिकल्स मतलब होता है आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स, दीज आर इन द मोशन। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं आपके शेयर के लिए, तो शेयर के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो एनी ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सभी ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन में टूल या वर्कपीस मोशन में होते हैं या दोनों मोशन में होते हैं, तो उनमें शेयर के कारण आपका मटेरियल रिमूवल होता है। कम टू द इरोजन, इरोजन होता है ना रबिंग करने से,
ठीक है, तो इरोजन में होता है आपका फ्लूइड या फिर पार्टिकल्स का मोशन। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है? इसका सबसे पहला एग्जांपल है आपका वाटर जेट मशीनिंग। क्या है? वाटर जेट मशीनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, WJM। क्या कहते हैं? WJM, इनके शॉर्ट नेम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या है आपका एब्रेसिव, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इसका शॉर्ट नेम क्या है, AJM। AJM क्वेश्चंस में शॉर्ट नेम्स का भी यूज किया जा सकता है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन में हम किसका यूज कर सकते हैं, शॉर्ट नेम का। शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट नेम आप यहां लिख लीजिए WJM, इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, AJM। दूसरा मैं बताता हूं आपको, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका शॉर्ट नेम होगा USM। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, USM। तो इनमें या तो फ्लूइड मोशन में होता है या फिर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव पार्टिकल्स मोशन में होंगे, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में आपके टूल और वर्कपीस के बीच में एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, और वहां पर हमें क्या करने वाले हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। जो आपने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, राइट, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पढ़ी थी ना, सेम कंसेप्ट यहां पर, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग वाला सेम कंसेप्ट यहां पर यूज में आने वाला है। तो देखिए, दिस इज द मैकेनिज्म, यहां पर क्या है, शीयर या फिर एरोजन, और ये कौन सा मेथड है, मैकेनिकल मेथड है। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा मेथड है आपका केमिकल। क्या होगा केमिकल, ये तो बहुत ही इजी है। केमिकल में क्या होगा, कोरोजन। केमिकल में क्या होगा, कोरोजन, ठीक है, केमिकल में होता है कोरोजन। यहां पर क्या होगा आपका, कोरोजिव एजेंट। क्या होगा, कोरोजिव एजेंट, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा केमिकल मशीनिंग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, केमिकल मशीनिंग, इसका एग्जांपल है आपका केमिकल मशीनिंग। तो केमिकल मशीनिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केमिकल मशीनिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो नेक्स्ट मेथड की ओर हम बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड मेथड है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल। वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मतलब क्या होगा, कोरोजन। कोरोजन नहीं होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के कारण क्या होगा, यहां पर आयनिक डिसोल्यूशन होगा। यहां पर क्या होगा, आयनिक डिसोल्यूशन, कोरोजन नहीं होगा, नहीं तो वो कोरोजन में आ जाता ना। यहां पर क्या होगा, आयनिक डिसोल्यूशन, और ये आयनिक डिसोल्यूशन कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हम फ्लो करवा रहे हैं हाई रेट ऑफ करंट। तो यहां पर होगा आपका करंट, यहां पर क्या होगा आपका, करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो, करंट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, बहुत ही इजी है, इसका एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ECM, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, याद हो जाएगा, ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इन विच मैकेनिज्म इज यूज्ड आयोनिक डिसोल्यूशन, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मटेरियल इज रिमूव्ड बाय विच प्रिंसिपल और विच मैकेनिज्म, दैट इज आयोनिक डिसोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं आपके थर्मल की। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। तो जब हम हीट का यूज करेंगे तो क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन के कारण आपका थर्मल मेथड में मेटेरियल रिमूव होने वाला है। अब फ्यूजन और वेपोराइजेशन हम किस सोर्स से करवाएं, फ्यूजन और वेपोराइजेशन हम किस सोर्स से करवाएं, तो ध्यान से देखिए, पहला सोर्स क्या है आपका, इलेक्ट्रिक स्पार्क। पहला सोर्स क्या है आपका, इलेक्ट्रिक स्पार्क। बिल्कुल आर्क वाला ही कॉन्सेप्ट है यहां पे, लेकिन आर्क होती है कंटिन्यूअस स्पार्क,
तो हम आर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। स्पार्क प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिक आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस हुई, स्पार्क प्रोड्यूस हुई, स्पार्क कैसे होता है और आपका आर्क कैसे होता है कंटिन्यूअसली। इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज होता है आपका ईडीएम में, दैट इज ई डी एम। ईडीएम का फुल का नाम, ईडीएम का फुल नेम क्या है? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ईडीएम का फुल नाम है आपका इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में जो मेटेरियल रिमूव होता है वो किस मैकेनिज्म से होता है? फ्यूजन या फिर वेपोराइजेशन। कौन सा मेथड होता है? थर्मल मेथड होता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं? याद रखने। अब अगर थर्मल में मैं ही कंटिन्यू करूं तो थर्मल में देखिए क्या होगा, और क्या मेथड हो सकते हैं? और मेथड हो सकते हैं आपके, और सोर्स हो सकते हैं आपके हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा स्पीड पर अगर किसी मटेरियल से टकराएंगे तो उसका फ्यूजन या फिर वेपोराइजेशन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में होता है। तो वहां थे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, तो यहां क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ईबीएम। यहां क्या हो जाएगी? ईबीएम। और ईबीएम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ईबीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो इलेक्ट्रॉन की बीम का हम यूज करेंगे जिनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। उसके बाद क्या आ सकता है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आ सकता है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के बाद आपके आ सकता है रेडिएशन। क्या आ सकता है? रेडिएशन, पावरफुल रेडिएशन। तो देखिए पावरफुल रेडिएशन में क्या होगा? पावरफुल रेडिएशन कब प्रोड्यूस होते हैं? पावरफुल रेडिएशन बताओ कब प्रोड्यूस होंगे? रेडिएशन मतलब लाइट, और सबसे ज्यादा लाइट किसमें प्रोड्यूस होती है? पावरफुल रेडिएशन। रेडिएशन का आपने वेल्डिंग भी पढ़ा है, जल्दी से बताओ, लेजर बीम वेल्डिंग पढ़ा है। और यहां क्या होगा? लेजर बीम मशीनिंग। बिल्कुल यहां पर क्या होने वाला है? LBM, LBM, दैट इज लेजर बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग। तो पावरफुल रेडिएशन है। और उसके साथ हम और क्या यूज में ले सकते हैं? सोर्स हम यूज में ले सकते हैं आपका प्लाज्मा। क्या ले सकते हैं हम? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, यहां क्या हो जाएगा? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो यहां हो जाएगा पाम, है ना? यहां क्या हो जाएगा? पाम, पी ए एम। और पी ए एम क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इट इज प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, जिसमें हमने बात किया है कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज में लेते हैं और उन मेथड्स में मेटल रिमूव करने का क्या मैकेनिज्म होता है और उन मैकेनिज्म के लिए हम किस सोर्स का यूज करते हैं। तो अगर हम टूल वर्कपीस मोशन का यूज करते हैं तो एनी ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन, यहाँ पर कन्वेंशनल भी हो सकता है, एनी ट्रेडिशनल मशीनिंग, ये ऑपरेशन लिखा है यहाँ पर। यहां पर क्या लिखा है? ऑपरेशन, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मशीनिंग के बाद लिखा है ऑपरेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन की, तो फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन में कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है? WJM, वाटर जेट मशीनिंग। इसमें आपके फ्लूइड का मोशन होगा, किसका मोशन होने वाला है? फ्लूइड का। अगर हम बात करते हैं AJM, तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग, तो इसमें आपका मोशन किसका होने वाला है? एब्रेसिव का, हाई स्पीड एब्रेसिव जेट का हम यूज करने वाले हैं। USM, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम यूज लेंगे एब्रेसिव का, लेकिन वो जो एब्रेसिव होगा वो आपके टूल और वर्कपीस के बीच में रखा जाएगा। हो तो यहाँ सभी एब्रेसिव ही रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एरोजन। कोरोजन में क्या हो जाएगा? कोरोसिव एजेंट आ जाएगा। दिस इज द केमिकल मशीनिंग, जिसको हम पढ़ने नहीं वाले हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपको सिर्फ इतना, इसमें इतना याद रखना है कि केमिकल का एग्जाम्पल क्या है? केमिकल मशीनिंग, जिसमें जो आपका मेटल रिमूव होता है वो किस मैकेनिज्म के कारण होता है? कोरोजन के कारण होता है। और कोरोजन क्यों होगा? किसी ना किसी कोरोजन एजेंट के कारण होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या क्या है? देखिए एक ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो आपका मेटल रिमूव होता है वो किस मैकेनिज्म के कारण होता है? आयोनिक डिसोल्यूशन के कारण। और आयोनिक डिसोल्यूशन के कारण जब मेटल रिमूव होगा तो उस मेटल को रिमूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? करंट। सोर्स विल बी यूज्ड एज ए करंट।
उसके बाद है आपका थर्मल, थर्मल में होता है आपका फ्यूजन और एवेपोराइजेशन। इसके आपके फोर एग्जांपल्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ठीक है। अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का यूज करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। अगर हम पावरफुल रेडिएशन का यूज कर रहे हैं तो लेजर बीम मशीनिंग। अगर हम प्लाज्मा का यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। देखो अब मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, ये जो ईबीएम, एलबीएम और पीएएम है ना, ये बिल्कुल सेम वही मेथड है जो कि आपने पढ़े हैं अपने वेल्डिंग ऑपरेशन में। तो वेल्डिंग ऑपरेशन में भी हम क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, लिक्विड को मेल्ट करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन। तो इसके कारण हम क्या करने वाले हैं, मेटेरियल को रिमूव करने वाले हैं। तो हम ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन है उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मैं पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। कौन सा पढ़ाने वाला हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। तो हम इन सभी मेथड्स को क्या करने वाले हैं, अब कंटिन्यू करने वाले हैं। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का, जिसमें आपका मेटेरियल रिमूव होता है ड्यू टू द आयोनिक डिसोल्यूशन। ये बिल्कुल वही मेथड है जो कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज में लेते हो। कहाँ यूज में लेते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज में लेने वाले हैं, सेम मेथड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में लिया जाता है, क्लियर है। इसमें भी क्या होता है, आपके एक इलेक्ट्रोड से मेटेरियल रिमूव होता है। किससे रिमूव होता है, आपके एक इलेक्ट्रोड से मेटेरियल रिमूव होता है, और जिस इलेक्ट्रोड से मेटेरियल रिमूव होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनोड। उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। तो अगर आपको वर्कपीस से मेटेरियल को रिमूव करना है तो वर्कपीस को क्या बनाना पड़ेगा, एनोड बनाना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पे। तो देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। क्या है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इसमें हम यूज करते हैं वेरी वेरी हाई करंट। जो करंट का अमाउंट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, हाई करंट, और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो लो वोल्टेज, सो इट इज ए हाई करंट, इट इज ए हाई करंट एंड लो वोल्टेज प्रोसेस। क्या है ये, हाई करंट एंड लो वोल्टेज प्रोसेस। तो इसमें कोई संदेह है, बिल्कुल भी सर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहां पर जो मेटल रिमूव होने वाला है, ये किसके कारण होने वाला है, आयनिक डिसोल्यूशन के कारण। अगर इसी में मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो इट फॉलोज द इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ, इट फॉलोज द इलेक्ट्रोलाइसिस, इट फॉलोज द इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ। और ये जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर फराडेज लॉ। कौन सा लॉ है ये, फराडे। फराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब हम इस मेथड का यूज करेंगे, जब हम इस मेथड का यूज करेंगे तो जो आपका मेटेरियल रिमूव हो रहा है उसका अमाउंट, ये डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कितना है, क्यू, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं, कि आपका जो मेटेरियल रिमूव होने वाला है ये डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कितना है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपके मेटेरियल का जो मास रिमूव होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ द चार्ज, इट इज द फंक्शन ऑफ द चार्ज। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा चार्ज का, उतना ही ज्यादा मास रिमूव होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉज, द मास ऑफ द मेटेरियल रिमूव्ड, द मास ऑफ द मेटेरियल रिमूव्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। डेफिनेशन ही लिख रहा हूं मैं इसको, मैं क्या लिख सकता हूं, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, क्या मैं ये लिख सकता हूं Q, क्या यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं Q, Q क्या होता है भाई, चार्ज। Q क्या है आपका, चार्ज। और चार्ज को देखो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू करंट,
यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज ही क्या होता है? करंट। इस चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो कूलाम्ब पर सेकेंड विल बी इक्वल्स टू एम्पियर। सो दिस क्यू विल बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई विद टी। Q इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई विद टी। तो क्या यहां लिख सकता हूं मैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज द मास रिमूव्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मल्टीप्लाई विद टी। आई मल्टीप्लाई विद टी। तो जितना ज्यादा आप करंट का फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा मास रिमूव होगा। तो हाई करंट एंड लो वोल्टेज प्रोसेस। तो इसमें जो करंट का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 40,000 एमपीएस तक हो सकता है। कितना? 40,000, इतना ज्यादा करंट। तो जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहां क्या आएगा? एक कांस्टेंट। तो दिस एम विल बी इक्वल्स टू जेड आई टी। कांस्टेंट कौन आया यहां पर? जेड। तो एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी। जेड क्या है आपका? जेड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी। तो जेड क्या है आपका? Z is equals to electrochemical equivalent, equivalent। तो ये क्या है आपका? electrochemical equivalent। Z की वैल्यू क्या होती है? Z is equals to E divide by F। Z क्या होता है आपका? E divide by F। तो मैं M को क्या लिख सकता हूं? M is equals to E divide by F I multiply with T। I मल्टीप्लाई विद T, एवरीथिंग इन द बैक ब्रैकेट, मतलब सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो E क्या होता है? E होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। और जो E की वैल्यू होती है ये क्या होती है? E विल बी इक्वल्स टू एटोमिक वेट, एटोमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, सभी मेटल का एटॉमिक वेट और वैलेंसी आपको याद नहीं रखना है। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहां आप लिख लीजिए गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। एफ की बात करें, एफ क्या होता है? एफ होता है आपका क्या होता है बताओ? एफ क्या होता है आपका? फराडेज कांस्टेंट। एफ क्या होता है आपका? फराडेज कांस्टेंट। ये 12th में पढ़ा होगा आपने। एफ की वैल्यू क्या होती है? जनरली 96500। ये रटनी है वैल्यू आपको, 96500 याद होनी चाहिए ये वैल्यू। अब यहां पर पुट कीजिए तो एम विल बी इक्वल्स टू ई एफ EF I T। So this will be EF I multiply with T। So this M by T will be equals to, ये क्या हो जाएगा आपका? E I divide by F। ये क्या हो जाएगा आपका? Mass divide by time। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Material removal rate। ये क्या हो जाएगा? मेटेरियल रिमूवल रेट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? यह हो जाएगी आपकी ई आई डिवाइड बाय एफ, ई आई डिवाइड बाय एफ। इसको आप ब्रैकेट में लिखिए एम आर आर ई आई डिवाइड बाय एफ, ई आई डिवाइड बाय एफ। इसकी यूनिट किस में आएगी? इसकी यूनिट का ही तो है, इसकी यूनिट आएगी आपकी ग्राम पर सेकेंड में। ध्यान रखना है इसकी यूनिट किस में आएगी? ग्राम पर सेकंड में। सो दिस इज द मेटल रिमूवल रेट ई आई बाय एफ, ई आई बाय एफ, वेयर ई इज द रेशियो ऑफ द एटॉमिक वेट टू द वैलेंसी एंड दिस वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आई इज द अमाउंट ऑफ करंट और एफ की वैल्यू आपको क्या रखनी है? याद रखनी है 96500। तो ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। E की वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक वेट एंड योर वैलेंसी। आयरन की बात करें तो ये होता है आपका 55.85, जिसे हम लमसम लेते हैं 56। एग्जांपल हम लिख सकते हैं आयरन का। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आयरन का, तो आयरन की जब मैं बात करूंगा तो आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है
आयरन का एटॉमिक वेट जो क्वेश्चंस में दिया जाता है 56, अगर नहीं दिया है तो आपको इसको याद रखना है, केवल आयरन का याद रखना है, बाकी एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, सबको आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं वैलेंसी की, तो आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। सो दिस इज द वैलेंसी एंड एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन। तो अगर मैं बात करता हूँ ई की वैल्यू क्या होगी, सो ई विल बी इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई 2, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28। किसके लिए, ये आयरन के लिए, एफ ई के लिए, किसके लिए, ये आयरन के लिए। ये मेटल रिमूवल रेट है आपका मास के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप करते आए हो, यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स लगानी है। कैसे, व्हाट इज रो, रो इज द मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, रो क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी वॉल्यूम इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय रो। सो द वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल रिमूवल रेट, वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल रिमूवल रेट क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, मास में क्या आ रहा है, ई आई बाय एफ, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, रो। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ई आई डिवाइड बाय एफ रो, ई आई डिवाइड बाय एफ रो। जो आपका मास में था उसकी वैल्यू क्या थी, ग्राम पर सेकंड, मास में था उसकी वैल्यू क्या थी, ग्राम पर सेकंड। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रो की वैल्यू किस में गिवन है, आपके रो की वैल्यू किस में गिवन है। तो देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, एम डॉट, फिर लिख रहा हूं मैं रो, फिर यहां लिख रहा हूं मैं वी डॉट, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी एम डॉट है ग्राम पर सेकंड में, तो ये हमेशा ग्राम पर सेकंड में ही रहेगा, और अगर आपको डेंसिटी दे रखी है सपोज ग्राम पर एमएम क्यूब, तो ये किस में आएगा, एमआरआर वी में, किस में आएगा जल्दी से बताओ, एमआरआर वी, ये किस में आएगा, एमएम क्यूब पर सेकंड। सो दिस विल बी इन एमएम क्यूब पर सेकंड। अब अगर आपकी इसकी वैल्यू है आपके ग्राम पर सेकंड में, सिंपली एमआरआर लिख दो इसको, और आपकी रो की वैल्यू दे रखी है आपको सपोज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपकी ये किस में आने वाली है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया है। तो यूनिट्स का आपको ख्याल रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो यूनिट है ये है ग्राम पर सेकंड में, तो डेंसिटी की भी आप ध्यान रखना कि ऊपर ग्राम आना चाहिए, और नीचे जो यूनिट आएगी, नीचे जो यूनिट आने वाली है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल रिमूवल रेट क्या है, क्या वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल रिमूवल रेट क्या है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके बाद मैं एक टर्म और डिफाइन करने वाला हूं, दैट इज योर स्पेसिफिक एमआरआर, स्पेसिफिक एमआरआर, स्पेसिफिक एमआरआर क्या होती है, स्पेसिफिक एमआरआर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर, वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर डिवाइड बाय करंट, डिवाइड बाय करंट, पर यूनिट करंट, पर यूनिट एम्पियर में आपका कितना मेटल रिमूव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एमआरआर। सो दिस एस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये ई आई डिवाइड बाई एफ रो, सो दिस विल बी ई आई डिवाइड बाई एफ रो मल्टीप्लाई विद वन बाई आई, मल्टीप्लाई विद वन बाई आई, तो इस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस एस विल बी इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय एफ रो, ई डिवाइड बाय एफ रो। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहां पर आपको तीन चार फॉर्मूले याद रखने हैं, इन फॉर्मूलाज पर हर एग्जाम में, इन फॉर्मूलाज पर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है 101%, ठीक है, ये फ्री के मार्क्स है। इन पर अगर आप तीन चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लोगे, तीन चार थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस लॉ का यूज किया है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग दिस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। व्हाट इज मास, मास इज द मास ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, ठीक है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज करंट इंटू टाइम, चार्ज इज करंट इंटू टाइम, तो वैल्यू पुट कर दी।
प्रोपोर्शनल हटाया, z आ गया, और व्हाट इज z, e by f, what is f, f is the Faraday's constant 96500, what is e, e is the ratio of the atomic weight to the valency, आपके एटॉमिक वेट और वैलेंसी का रेशियो है ये। उसके बाद जब मैंने ये वैल्यूज पुट की तो मुझे MRR का फॉर्मूला मिला, दो फॉर्मूले मिले, एक तो मास के टर्म्स में और एक वॉल्यूम के टर्म्स में। तो जो मास के टर्म्स में होगा इसकी यूनिट हमेशा रहेगी आपके ग्राम पर सेकंड में, किस में रहने वाली है, ग्राम पर सेकंड में। और इसकी यूनिट किस पर डिपेंड करेगी, इसकी यूनिट डिपेंड करेगी द यूनिट ऑफ द रो। इसकी यूनिट किस पर डिपेंड कर रही है, द यूनिट ऑफ द रो। अगर रो की यूनिट एमएम क्यूब में है तो एमएम क्यूब पर सेकंड, अगर रो की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन ध्यान रखना ऊपर ग्राम ही आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए, ग्राम आना चाहिए। अगर ऊपर किलोग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम है तो उसको किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर यहां पर पुट करना, अदरवाइज यहां पर पुट मत करना, नहीं तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा और वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो उसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। स्पेसिफिक एमआरआर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक मेटल रिमूवल रेट टू द करंट, एमआरआर वी डिवाइड बाय आई। एमआरआर वी क्या है, ई डिवाइड बाय एफ रो, डिवाइड बाय आई करेंगे तो आई से आई कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाय एफ रो। सो दिस इज द स्पेसिफिक एमआरआर। तो नाउ कम टू द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। यहां से मैं एक दो फॉर्मूलाज और बताने वाला हूं आपको कि कौन सा फॉर्मूला आपके यूज में आने वाला है। यह भी आपका मैथमेटिकल एनालिसिस चल रहा है, अभी हम थ्योरेटिकल एनालिसिस पर भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड, आपको ये सारे फॉर्मूलाज फॉर्मूला शीट में लिखने हैं और ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, याद। यहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, ये जो क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, यहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में एक इलेक्ट्रोड होगा, टूल होगा, तो मैं बनाने वाला हूं टूल, यह है आपका टूल, यह क्या है आपका टूल है, ठीक है। आपका टूल कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इसके सेंटर में एक होल होगा, क्या होगा, होल, और उस होल के थ्रू आपका इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करने वाला है, कौन फ्लो करने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां होगा इंसुलेटर, सो दिस इज इंसुलेटर, दिस इज इंसुलेटर, यहां भी क्या है इंसुलेटर, यह क्या है इंसुलेटर, ठीक है। यहां पर होगा आपका वर्कपीस, कुछ इस तरीके से होगा वर्कपीस आपका। तो जब हमें मशीनिंग करनी होगी तो इस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के पास लाना पड़ेगा, कहां लाना पड़ेगा, पास। तो जो ये इलेक्ट्रोड का शेप होगा उसी शेप में यहां पर मेटेरियल रिमूव होगा, उसी शेप में क्या होगा आपका मेटेरियल रिमूव होगा। तो देखिए ये आपको किस तरीके से नजर आएगा, थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, थोड़ी देर बाद आपका मेटेरियल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिस शेप में इलेक्ट्रोड होगा उसी शेप में आपका मेटेरियल रिमूव होने वाला है। अगर क्यूबिकल शेप होगा आपका इलेक्ट्रोड का तो क्यूबिकल शेप में, क्यूबॉइड शेप में होगा तो क्यूबॉइड में, सिलेंड्रिकल होगा तो सिलेंड्रिकल शेप में। तो जिस शेप का आपको चाहिए उसी शेप का आप इलेक्ट्रोड बना दो, उसी शेप का आप क्या बना दो, इलेक्ट्रोड बना दो। दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस। इनको हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, इनको हम क्या करने वाले हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट। सो दिस इज द टूल एंड इट विल बी कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई, ये है आपकी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, वेल्डिंग जैसा कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं टर्मिनल्स की, तो टर्मिनल्स होंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो टर्मिनल्स होते हैं ना उनका बिल्कुल अपोजिट होगा, कैसे। तो ये जो आपका वर्कपीस होगा इट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये किससे कनेक्ट होगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं टूल की, इट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, इट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो वर्कपीस हो जाएगा आपका पॉजिटिव, जहां से भी मटेरियल रिमूव करना होता है ना उसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से बताओ, वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, चलो मैं नहीं बताता, आप ही बताना, जाके देखना, नोट्स पढ़ना। ये क्या है आपका टूल, ये क्या है आपका टूल, सो दिस इज योर टूल। और अंदर ये मैंने क्या बनाया है, ये अंदर मैंने बनाया है इंटरनल इंसुलेशन, क्या बनाया है, इंटरनल इंसुलेशन, आंतरिक दिया है मैंने, अंदर की तरफ दिया है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है इट शुड नॉट बी इन द कॉन्टेक्ट विद द टूल व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द टूल। ये जो बीच में होल प्रोवाइड किया है यहां से फ्लो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट,
यहाँ से आ रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट, आ गया, ये लो इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है और यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट का कंटिन्यूसली फ्लो होगा ताकि वो आपका जो मेटल रिमूव हो रहा है उसको लेता जाए, इलेक्ट्रोलाइट का कंटिन्यूसली फ्लो होगा ताकि जो आपका मेटल रिमूव हो रहा है वो लेता जाए, और जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट वापस आएगा, इलेक्ट्रोलाइट घूम के तो वापस तो आएगा ना, उसको आने से पहले हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, अप टू 3 मेगापास्कल प्रेशर, 3 मेगापास्कल प्रेशर है, जिसके कारण ये जो सेटअप होता है वो बहुत रिजिड होता है, 3 मेगापास्कल प्रेशर, समझ रहे, इतना हाई प्रेशर यहाँ पर हम यूज़ में ले रहे हैं। तो इतने ज़्यादा हाई प्रेशर के कारण जो आपका वर्कपीस होगा उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं रख देंगे आपके टेबल पर, ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा ना आपका एक कंटेनर के अंदर हो रहा होगा, पावर सप्लाई को छोड़ देना, पूरा का पूरा ये सिस्टम है आपका एक कंटेनर के अंदर। तो मैं पूरा कंटेनर नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या आने वाला है। देखिए टूल और वर्कपीस के बीच में ये गैप है, और इस गैप के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, ये गैप है कि नहीं है, है। आपके स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी गैप होता है, एयर रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज चाहिए, यहाँ हाई वोल्टेज वाला नहीं है, बस उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में गैप है और इस गैप में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इस गैप की जो डिस्टेंस है, इस गैप की जो वैल्यू है, उसको मैं ले रहा हूँ L, क्या ले रहा हूँ, L, ठीक है। इसका जो एरिया है उसको मैं ले रहा हूँ A, क्या ले रहा हूँ, A। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कि ब्लू ब्लू क्या है, ब्लू ब्लू है आपका इलेक्ट्रोलाइट फ्लो, क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट फ्लो। अब देखिए यहाँ जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा ये आपके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा या लेंथ के, ये एरिया के प्रोपोर्शनल होगा या लेंथ के, जितना दूर ले जाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना पास लाओगे उतना कम रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा वो बेसिक कंसेप्ट है, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ये फॉर्मूला आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा वही फॉर्मूला यूज में आ रहा है। देखो आर विल बी इक्वल्स टू रो ऑफ एस, दिस इज एस, एल बाय ए, व्हाट इज दिस आर, व्हाट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस। तो देखिए आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट किस में होती है, ओम में होती है। व्हाट इज रो एस, इट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जल्दी से इसकी यूनिट बताना क्या होती है। एल, एल क्या होता है, लेंथ, एल क्या होता है, लेंथ। ए, व्हाट इज ए, ए इज द एरिया, ए इज द एरिया, रेजिस्टिविटी की यूनिट बता देना, इट विल डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ द एल एंड ए, सपोज ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, एरिया विल मीन द सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, रो सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आने वाली, रो सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो I बराबर क्या होगा, V बाय आर, I बराबर क्या होगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू रखो यहाँ पर, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, सो दिस वी डिवाइड बाय रो एल, रो एल बाय ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आई, याद करा दूंगा, घबराओ मत, याद करवा दूंगा मैं इसको। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द करंट। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टर्म की, दैट इज द करंट डेंसिटी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, करंट डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं जे से, किसे डिनोट करते हैं, जे से, इस जे की वैल्यू होती है आई डिवाइड बाय ए, आई डिवाइड बाय ए, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, वी ए रो एस एल, तो वी ए रो एस एल, नीचे क्या है ए, तो 1 बाय ए, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डिवाइड बाय रो एस एल,
वी डिवाइड बाय रो एस एल। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है करंट डेंसिटी की। सर कैसे याद रखेंगे? मेरा नाम याद है, मेरा नाम ही तो है वी साल। ये मैंने अपने नाम से याद रख रखा है वी साल। ठीक है, तो आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आता हुआ क्वेश्चन आपके हाथों से चला जाएगा, डायरेक्ट आपके नंबर आएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके क्या आने वाले हैं? डायरेक्ट नंबर, हाथ में ये सारे नंबर आपके। अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोड फीड रेट। आपका इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ द सर्वो मैकेनिज्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी फीड रेट क्या होगी? देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोड किसकी बात करने वाला हूँ? इलेक्ट्रोड फीड रेट। ये जो इलेक्ट्रोड फीड रेट होता है, अगर मैं इसको स्मॉल एफ से डिनोट करूँ, सो दिस स्मॉल एफ तो हम यूज में ले चुके हैं ना, फैराडेज कॉन्स्टेंट, तो हम कुछ और टर्म्स यूज में ले सकते हैं। आप इसको ले लीजिए F, आप ले लीजिए E मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड फीड रेट। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू J इंटू S इंटू J। क्या वैल्यू है रखो, ये क्या हो जाएगा? E डिवाइड बाय F रो मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी मल्टीप्लाई विद V डिवाइड बाय रो एस एल, V डिवाइड बाय रो एस एल। तो ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोड फीड रेट। इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका क्या याद रखना है? फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करना एक शॉर्टकट मेथड भी है। अगर मैं बात करता हूँ शॉर्टकट मेथड की, किसकी बात कर रहा हूँ? शॉर्टकट। तो यहाँ पर है आपका शॉर्टकट। जब आप भूल जाओ तो कैसे याद करेंगे? देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोड फीड रेट होगा वो पता है क्या होगा? एम आर आर वी डिवाइड बाय ए, एम आर आर वी डिवाइड बाय ए। ये तो याद रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा सर। एफ, ये इसके सब्सक्रिप्ट में आयरन मत बना देना। एम आर आर वी क्या है? ई आई डिवाइड बाय एफ इंटू रो इंटू वन बाय ए इंटू वन बाय ए, है कि नहीं है? यही सर है। अब देखो, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताओ, आई की वैल्यू क्या है? वी ए डिवाइड बाय रो एस इंटू एल। तो रखो, ई डिवाइड बाय एफ रो मल्टीप्लाई बाय वी ए डिवाइड बाय रो एस एल मल्टीप्लाई बाय वन बाय ए। शॉर्टकट है। तो देखो, ए से ए कट गया, ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड आउट। तो ये क्या बन जाएगा? E V डिवाइड बाय F रो रो एस एल, F रो रो एस एल, सेम फॉर्मूला आ गया। दोनों में से कोई एक याद रख लो, नंबर आना चाहिए आपका, नंबर नहीं कटना चाहिए। यूनिट क्या होगी? देखो, एम आर आर वी की यूनिट क्या होती है? एम एम क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय A की यूनिट क्या होगी? एम एम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? एम एम पर सेकेंड। मतलब ये वाली जो यूनिट है आपकी एम एम पर सेकेंड, ये किस पर डिपेंड कर रही है? इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द रो। किस पर डिपेंड कर रही है? रो पर। तो रो एस पर, एल पर। रो की यूनिट मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रो एस की यूनिट ये रही यहां पर। रो एस की यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर, ओम एम एम। एल की यूनिट मीटर सेंटीमीटर या फिर आपका एमएम। तो यूनिट्स का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करना है। क्वेश्चन में देखना है कि एमएम पर सेकेंड में पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है, या किस में पूछा है। तो ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए? यहाँ पर याद रहनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ कि ये तो वर्कपीस आपका एक ही मेटेरियल का था। किसका था? या तो होगा आयरन का, कास्ट आयरन, टाइटेनियम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे आप वेरी हार्ड मेटेरियल को क्या कर सकते हो? मशीन कर सकते हो। मेटल रिमूवल रेट भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एक ही कंपोजिशन ना हो, अगर आपका जो मेटल है एक ही कंपोनेंट का ना बना हो, एलॉय हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंडीशन में पूरा का पूरा एनालिसिस सेम होगा। सिर्फ चेंज क्या आएगा? सिर्फ चेंज आएगा ई की वैल्यू में। किसकी वैल्यू में?
ई की वैल्यू में, व्हाट इज ई, ई इज द ग्राम इक्विवेलेंट, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ई की वैल्यू को। ई की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। तो अगर आपका जो मटेरियल है वो एलॉय है, क्या है एलॉय, मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल का कॉम्बिनेशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या चेंज करने वाले हैं, ई, ध्यान रखना किसको चेंज करने वाले हैं, हम ई को। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नहीं होता, ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। अगर एटॉमिक वेट को मैं ऐसे लिख लूं क्या, ए टी डॉट डब्ल्यू टी लिख लूं, लिख लीजिए सर, ऐसे लिख लो वैलेंसी को, वी वी ए लिख लो, चलो याद रहेगा वैलेंसी, नहीं तो वोल्टेज बन जाओगे, वन बाई ई क्या होगा बताओ, बहुत ईजी है सर, वैलेंसी डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, बस ये फंडा याद रखो, ठीक है, यहां लिख लीजिए आप फंडा, फंडा मतलब फंडामेंटल, ठीक है, ऐसा नहीं है फंडा हिंदी वर्ड है, फंडा आया फंडामेंटल से है, ठीक है, पता है क्या आपको। अब लेते हैं हम दो मेटेरियल का एलॉय, सो दिस इज मेटेरियल ए, दिस इज मेटेरियल बी, मैथमेटिक्स आती है, हाँ सर आती है, इसका मान लो एक्स परसेंट है तो ये कितना परसेंट होगा, 100 माइनस एक्स परसेंट आती है, बिल्कुल सर यही यहां पर हम यूज में लेने वाले हैं। अब देखो इसके लिए क्या होगा, 1 बाई ई विल बी इक्वल्स टू, 1 बाई ई किसके इक्वल होता है, वैलेंसी डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो ये हम किसके लिए बात करते हैं, पहले ए के लिए बात करते हैं, सो यहां पर होगा वैलेंसी ऑफ ए डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ए, वैलेंसी ऊपर क्या, वैलेंसी 1 बाई ई चल रहा है, तो 1 बाई ई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, वैलेंसी, नीचे आ जाएगा एटॉमिक वेट। तो ए की बात करें तो वैलेंसी ऑफ ए मटेरियल कैपिटल ए, वैलेंसी ऑफ ए मटेरियल डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ए मटेरियल मल्टीप्लाई विद एक्स बाय 100 प्लस प्लस बी मटेरियल पे आओ, बी मटेरियल पे क्या होगा, वैलेंसी ऑफ बी मटेरियल डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ बी मटेरियल, और बी का अमाउंट कितना है, बी का अमाउंट है 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100। अब जल्दबाजी में इसको 1 बाई ई को मत पुट कर देना, पहले यहां से ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना, इसको फाइंड आउट करना ई की वैल्यू को। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में इसको हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देते हैं और फॉर्मूले में इसी की वैल्यू को हम पुट कराते हैं, आंसर कुछ और आता है। अगर मान लो आपको ऑप्शन भी मिले तो क्या कर लोगे, वहां तो डूब जाएगी ना, नहीं यहां तो 1 बाई ई है, ई नहीं है, तो हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, ये कंसेप्ट घुसा दिमाग में, ए एक्स परसेंट है, बी कितना है 100 माइनस एक्स परसेंट है, ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा 80, तो 100 माइनस 20 80। अब हम यहां कंसेप्ट किसका लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल का, तो हम 1 बाई ई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 बाई ई हम इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे, 1 बाई ई हम इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तब जाके हमें मिलने वाला है ई। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, अब हम ले रहे हैं तीन का, कितना भी मटेरियल हो सकता है, फोर भी हो सकता है, 1 2 3, सो दिस इज मटेरियल ए, दिस इज मटेरियल बी, दिस इज मटेरियल सी, नाम दिया मैंने ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, आपका क्रोमियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इसका परसेंट है एक्स परसेंट, बी का मान लो है वाई परसेंट, सी का क्या होगा जल्दी से बताओ इसका होगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई परसेंट, ये 10%, ये 20%, तो ये कितना हो गया 70%, तो 100 में से 10 घटाओ, फिर 20 घटाओ, फिर आएगा आपका 70। सेम यही फंडा लेना है अपने को, 1 बाई ई कैलकुलेट करना है, और ये किसके इक्वल आएगा, पहले हम करते हैं ए के लिए, सो वैलेंसी ऑफ ए मेटेरियल डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कौन सा मेटल आएगा, ए मेटेरियल परसेंटेज क्या है एक्स बाय 100 प्लस, फिर हम निकालेंगे बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ बी मेटेरियल डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ बी मेटेरियल इंटू वाई बाय 100 प्लस,
इंटू वाई बाई 100 प्लस दिस इज वाई, ये आपका है वाई वाई। फिर किसके लिए हम निकालेंगे? सी के लिए। तो सी के लिए कैसे होगा, देखो वैलेंसी ऑफ सी डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सी मल्टीप्लाई विद 100 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 100। तीनों का निकालो, ऐड करो, उसका क्या ले लो, रेसिप्रोकल। अगर ये चीज आपको समझ आ चुकी है तो कितने भी मटेरियल हो आप निकाल सकते हो, क्योंकि परसेंटेज सबका क्या होगा, गिवन होगा। तो आई होप यहां पर आपको जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था उसके साथ साथ जो भी आपका वर्किंग प्रिंसिपल था कि हम टूल को क्या बनाते हैं, वर्कपीस को क्या बनाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला में याद रखने हैं, सिंगल एलिमेंट के लिए हम क्या यूज में लेंगे, एलॉय के लिए हम क्या यूज में लेंगे ई, तो वो फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये फॉर्मूले आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिए, इन फॉर्मूलों को याद कीजिए। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूला हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बी रेडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।